गुजरात राज्य के विविध यात्रा धामों में भोग और भोजनालयों में अब गुणवत्ता वाला प्रसाद और भोजन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियम बनेंगे। प्रसाद भोजन सहित देना पड़ेगा। आरोग्य प्रसाद, लोग जो चीज़ें आस्था और विश्वास से ले रहे हैं उसमें अमली होगी कड़क नियम। दिल्ली स्थित फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया और राज्य सरकार के खाद्य शाखा के साथ आज सोमनाथ के सागर दर्शन में सेमिनार किया गया, साथ ही मार्गदर्शन दिया गया जिसमें राज्य के विविध तीर्थ स्थानों के संचालक और अहदेदार और संचालक उपस्थित रहे। उनको स्लाइड शो, प्रोजेक्ट और मौखिक समझन की दी गई। आने वाले समय में सभी धार्मिक तीर्थ स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जहां पर भी प्रसाद भोजन की व्यवस्था है वहां पे अब गुणवत्ता वाला भोजन और प्रसाद देना होगा, क्योंकि ऐसे स्थानों पर अब नियमित मार्गदर्शन, सूचना और चेकिंग भी की जाएगी। ऐसे स्थानों पर फूड सेफ्टी लाइसेंस भी लेने पड़ेंगे। दिल्ली और गांधीनगर से उपस्थित अधिकारियों ने राज्य के तीर्थ संचालक अधिकारियों को समाज के साथ मार्गदर्शन इस सेमिनार में दिया। अब इस नियम की वजह से सभी धार्मिक स्थानों पर टूरिस्टों को गुणवत्ता वाला भोजन प्रसाद मिलेगा। ऐसे सारे सेमिनार में की वजह से हुआ। ये योजना भारत और गुजरात सरकार के आयोग के मद्देनजर की जा रही है। आर एल वैसिया, जॉइंट कमिश्नर फूड। वैसिया साहब, बात करवामां आवे कई जगह शू आयोजन छे, उद्देश्य? अहीं सोमनाथ महादेव सानिध्य में सागर दर्शन अंदर એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને આ આયોજનની અંદર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ જિલ્લાના મોટાભાગના ધાર્મિક સ્થળોને આવરી લેવામાં આવેલા છે અને આનું ઉદ્દેશ્ય છે કે જે યાત્રાળુઓ છે, જે ધર્મમાં માનનારા છે અને જે પ્રસાદી લે છે એ તમામને શુદ્ધ વાતાવરણમાં સારી રીતે સારા રો મટીરિયલમાંથી બનેલું પ્રસાદ પહોંચવો જોઈએ અને સારી સ્થિતિમાં પહોંચવું જોઈએ એનું મેઇન ઉદ્દેશ્ય. કોના દ્વારા આયોજન, કોણ કોણ આવ્યું છે? આ આયોજન ભારત સરકાર અને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. ભારત સરકાર તરફથી તેના ડેપ્યુટી આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર આવેલા છે અને ગુજરાત સરકારની મારી સાથે મારા ડેઝિગ્નેટ ઓફિસર તથા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ફૂડ ડેઝિગ્નેટ ઓફિસર તથા ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર હાજર રહેલા છે. સર, વાત કરવામાં આમાં કોઈ સમસ્યા કે કોઈ ફૂડની અંદર સમસ્યા હોય એનું ચેકિંગ અને એમના દ્વારા કાર્યવાહી શું કરવામાં આવશે આવનારા ભવિષ્યમાં? આવનારા ભવિષ્યમાં અમે અમારી રીતે સેમ્પલ લેશું. વાતાવરણ કયા વાતાવરણમાં આ બનાવવામાં આવેલું છે, કેવી કેવી કન્ડિશન એ લોકોએ રાખેલી છે અને માણસોનું અમે જે ખરેખર આ ભોગ બનાવવામાં જે માણસો બનાવવાના છે એ માણસોનું હેલ્થ કેવું છે હેલ્થની પણ ચેકઅપ કરશું અને એ પછી અમે જે ફાઇનલ જે ભોગ બનશે એનું સેમ્પલ પણ લેશું અને લેબોરેટરીમાં પુષ્ટિકરણ માટે મોકલાશ. કરવામાં આવે છે તો માત્ર પ્રસાદ કે ટ્રસ્ટો દ્વારા અતિથિ ભોજનાલયો છે બધાનો પ્રસાદ તેમજ ભોજનાલય બંનેમાં બંને જગ્યાએ અમે રસોડાનું પણ ચેકિંગ કરશું, ભોજનની અંદર જે રો મટીરિયલ વપરાય છે એનું પણ ચેકિંગ અને જે ફિનિશ પ્રોડક્ટ છે કે જે ડાયરેક્ટ યાત્રાઓને પ્રસાદ આપેલા ભોજન પીરસવાનું છે એનું પણ અમે ચેકિંગ કરશું અને યોગ્ય જો જે કંઈ કશું હશે ને યોગ્ય એફએસએ એક નીચે અમે કાર્યવાહી. सभी धार्मिक स्थानों में ये एक विशेष अधिकार गाइड होगा। निर्माता के स्वास्थ्य की सहायता से गाइड प्रदान किया गया है। लाइसेंस के साथ सभी जगहों पर पंजीकरण के लिए भी अनिवार्य किया गया है। इस समझ के साथ सभी प्रशासकों ने इस मामले में खुशी से स्वीकार कर लिया और उन लोगों के संबंध में जो कानून का पालन नहीं करता है ये समझा जाता है कि कौन सा वाक्य या नियम लागू होंगे। आज ये कार्यक्रम सोमनाथ से शुरू किया गया जिसमें सौराष्ट्र कच्छ में वैश्य व्याख्यान धर्म के संस्थानों पर प्रसाद, भारत भोजन और स्नैक्स बनाने वाले लोगों और शुद्धता की गुणवत्ता और गुणवत्ता ये कार्यक्रम सोमनाथ से शुरू किया गया है जिसमें सौराष्ट्र कच्छ में वैश्य व्याख्यान धर्म के प्रस्थानों पर स्नैक्स बनाने वालों को गुणवत्ता पर खास ध्यान देना होगा और इनको निर्देशित भी किया गया है। भोग का मतलब है ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। ये एक इनिशिएटिव है एफएसएसएआई का जिसके थ्रू हम जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पर जो प्रसाद बनता है उसकी सेफ्टी, उसकी हाइजीनिक का हम ध्यान रखेंगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि वो एक अच्छा और शुद्ध प्रसाद बना के लोगों को सर्व कर सकें। लोगों ने आज 50% 60% तो लोगों ने थोड़ी इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले ली है और वो अपने टेम्पल में जाएंगे, अपने हायर अथॉरिटी से बात करेंगे और कुछ कुछ टेम्पल के लोगों ने हमें ये इंटरेस्ट दिखाया है कि वो चाहते हैं कि उनके किचन में ऑडिट हो
और वहाँ पे जाके हम उन्हें बताएं कि क्या क्या कमियाँ हैं और कैसे उनको सुधारा जाए। हम जो है सर ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशॉप और ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम यही अवेयरनेस सब जगह फैलाएंगे और सब जगह ट्रेनिंग का मोटो ही यही है कि जितने भी हैंडलर्स हैं उनको ये समझाना कि हमें किसी को वो नहीं करना, हम उनके सेफ्टी उनके मतलब एडवांटेज के लिए ही कर रहे हैं ताकि उनका प्रसाद जो है हर जगह पर ये न जाना जाए कि बहुत ही शुद्ध है, सेफ्टी और हाइजीनिक मेजर्स लेके बनाया गया है। जितने भी भगवान का प्रसाद है उसे शुद्धता और पवित्रता से ही खाया जाता है। सब सोचते हैं कि ये तो भगवान का प्रसाद है, तो पर हमें ये भी देखना है कि वो भगवान का प्रसाद उसी शुद्धता से बना है कि नहीं। कुल भी जहाँ पे भी भोजनालय होता है, जहाँ पे बिना किसी चार्जेस के जितने भी कम्युनिटी को खिलाया जाता है, कई कई टेम्पल्स में आपने देखा होगा हज़ारों की संख्या में लोगों को लंच डिनर कराया जाता है, तो वहाँ की भी जो सेफ्टी है, वो किचन की जो फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। सर ये जो भोग है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ये भी हमारे FSSAI की फूड बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। तो अभी तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में हम इनको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे इनको ये रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की प्रक्रिया से लाइसेंस और FSSAI का लाइसेंस उत्पन्न करना अपना लेना है। इनको लाइसेंस अभी तो एज सच जो है इनको लेना चाहिए, बिकॉज इनकी जो पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं वो प्रसाद हम यहाँ से लेके आते हैं उस पर कोई डेट नहीं होती, लाइसेंस नहीं होता, तो कोई अगर कोई बाहर जाके इसे खाएगा, सपोज़ मैं अपने शहर से दूसरे शहर लेगी, तो किसी को पता चलना चाहिए कि ये किस दिन बना हुआ था या फिर इसकी एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। तो उसी कारण से हम चाहते हैं कि इस पर लाइसेंस नंबर भी आए, इस पर पैकिंग के जो रेगुलेशंस के हिसाब से पैकिंग डिटेल्स और लेबलिंग डिटेल्स भी आए। यहाँ लोगों की सहायता से विश्वास भी जगा है और भोजन लाने की मान्यता और प्रथाओं से जागृति नहीं किया जा रहा है। जब भी राष्ट्र का कोई उपयोग होता है तो यही सब चीज़ चलती है। तमिलनाडु राज्य जैसे स्थानों पर भी ये लागू किया जा चुका है। रसोई घर से स्टोर रूम में खाना पकाने के लिए सावधानी के समय के बारे में सभी मार्गदर्शन सुझाए किए गए हैं और हमारे आश्चर्यचकित आचार्य के समय भी चेक किए जाएंगे। सोमनाथ से रामजी मनियार की रिपोर्ट।